और अब कांकेर के इस मामले की चर्चा करेंगे जिसमें जलाशय से पानी खाली कराने का ये पूरा केस सामने आया था और मामले में अब एसडीओ को दूसरा नोटिस जारी हो चुका है। इंद्रावती परियोजना मंडल जगदलपुर अधीक्षक अभियंता का ये नोटिस है। 3 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा और जवाब अगर नहीं दिया जाता है तो वेतन से पानी के पैसे की वसूली की जाएगी। एसडीओ आरके धवन से पानी की वसूली होगी, पानी के पैसे की वसूली होगी और उसे लेकर दूसरा नोटिस अब जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, यह बड़ा अपडेट। कल कलेक्टर की तरफ से निलंबित किया गया, साथ ही साथ अब सख्ती बरती जा रही है। एसडीओ को अब पैसे देने होंगे, पानी के पैसे की वसूली की जाएगी और अगर ऐसा नहीं होना है तो 3 दिन में जवाब स्पष्ट करना होगा, स्पष्टीकरण देना होगा इस पूरी घटना पर। तो ये बड़ी जानकारी कांकेर को लेकर जिसमें एसडीओ को दूसरा नोटिस जारी हो चुका है। इंद्रावती परियोजना मंडल जगदलपुर अधीक्षक अभियंता की तरफ से नोटिस, 3 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा और अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो पानी के पैसे की वसूली उनके वेतन से की जाएगी। तो कांकेर की यह पूरी घटना जिसमें फूड इंस्पेक्टर को जलाशय से पानी निकालने को लेकर सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में अब कलेक्टर का कहना है कि कल जानकारी मिलते ही जलाशय जाकर टीम ने जानकारी ली थी, सूचना मिली थी और उसमें जल संसाधन विभाग के एसडीओ को 2 दिनों से पता ही नहीं था कि वहां से पानी निकाला जा रहा है। उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, इसके भी निर्देश और उन पर कार्रवाई के लिए प्रक्रिया को आगे भेज दिया गया है। मामले में निलंबित फूड इंस्पेक्टर ने कहा है कि जल संसाधन के अधिकारी से बात की थी, इसलिए मैंने वहां स्वयं खर्च कर पानी बाहर निकाला, रेस्क्यू कर मोबाइल निकाला। मेरे साथ यहीं के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और मुझ पर निलंबन की कार्रवाई नहीं होनी थी। इंस्पेक्टर का मोबाइल जो है वो जलाशय में गिर गया था और जलाशय में गिरने की वजह से उन्होंने जो है उसका पानी खाली कराया और बिना किसी को सूचना दिए हुए। तो कल क्योंकि रात हो गई थी तो कल हम उसका जलाशय को देखने टीम नहीं भेज पाए थे। आज सुबह टीम गई थी और एसडीएम से उसका प्रतिवेदन हम लोग को मिला है तो उसके आधार पर हमने फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है और एसडीओ को हमने नोटिस दिया है और एसडीओ इरिगेशन की सुपरविजन की कमी को भी दर्शाता है कि 2-3 दिन से वहां से पानी निकाला जा रहा था, उन्होंने इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी लिख रहे हैं। ये मामला है रविवार को जब मोबाइल गिरा तो रविवार और सोमवार 2 दिन ऐसी लोकल लड़के लोग वहाँ पे तैर के अंदर जाके खोजने की कोशिश किए। चूँकि वो 10 फीट गहरा था इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था तो उनके द्वारा कहा गया है कि अगर 2-3 फीट पानी ये टंकी का खाली किया जा सकता है तो मोबाइल निकल जाएगा। तो उन्हीं के कहे अनुसार वहाँ से 2-3 फीट पानी खाली किया जा सकता है करके मैं एसडीओ साहब से भी इस बारे में चर्चा किया। एसडीओ साहब बोले कि ठीक है 4-5 फीट पानी आप खाली कर लो क्योंकि वो नॉन यूजेबल पानी है, वो जलाशय वाला पानी नहीं था, ओवर होके जो आके टंक में पड़ा हुआ था पानी वो उस वो वाला पानी था। तो वहाँ से फिर लगभग 3-1 फीट मैं पानी मशीन के द्वारा निकाल लिया जो डीजल से संचालित था और मेरा मोबाइल वहाँ से फिर मुझे मिल गया। और अब कांकेर से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ की सूचना सामने आई है। मुठभेड़ के दौरान एक जवान के घायल होने की भी खबर है। जवाबी फायरिंग के दौरान नक्सली वहां से भाग खड़े हुए, मुठभेड़ में एक नक्सली घायल भी हुआ है, महिला नक्सली बताई जा रही है। आरकेबी डिवीजन की सदस्य महिला नक्सली को बताया गया है। बड़गांव थाना क्षेत्र के मेंढरा जंगल के पास मुठभेड़ हुई और मौके से आला अधिकारियों को तमाम सामग्रियां भी मिली हैं, मेडिकल टीम भी वहां पर रवाना की गई, फौरन उपचार जवानों को दिया गया है। महिला नक्सली इस मुठभेड़ में जिसकी मारे जाने की खबर है आरकेबी डिवीजन की सदस्य बताई जा रही है। महिला नक्सली जो कि फिलहाल घायल है, जवाबी फायरिंग के बाद नक्सली वहां से भाग निकले, एक जवान के घायल होने की सूचना, फौरन मेडिकल उपचार जवान को दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह कि लगातार नक्सली की सक्रियता, बढ़ती सक्रियता के बावजूद सुरक्षा बल लगातार जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हट रहा है। जवाबी कार्रवाई के दौरान ही कई सारे नक्सली भी मारे जाते हैं। एक बार फिर से महिला नक्सली के घायल होने की खबर सामने आई है, एक जवान भी घायल हुआ है। आप देख रहे हैं कांकेर की ये घटना, लगातार मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है, नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ की खबर है, जवान के घायल होने की जानकारी सामने आई थी। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर और क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है इस पर हम जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी खेम नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खेम नारायण, आपसे हम जानना चाहेंगे घायल जवान की स्थिति फिलहाल कैसी है और क्या इलाके से नक्सली निकल चुके हैं या सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।
जी देखिए, बीती रात जो है बड़गांव और थाना क्षेत्र के उपांजूर जो प्रभावित नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर पुलिस बीएसएफ की जो संयुक्त तो पार्टी है उसके उसके ऊपर जो है नक्सलियों ने फायरिंग कर दी थी। उसके बाद जो है जवाबी फायरिंग में जो है सुरक्षा बल के जवानों ने भी फायरिंग की, जिसमें फायरिंग के दौरान जो है एक बीएसएफ के जवान विकास सिंह जो है घायल हो गए थे। हालांकि उनको प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और आला अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि वो अभी खतरे से बाहर है। वहीं जवाबी फायरिंग में जो है नक्सलियों को भी जो है घायल होने की खबर निकल कर आ रही थी और अभी इस वक्त की सबसे ताजा अपडेट ये है कि जो घायल नक्सली महिला नक्सली भगनी को जो है अरेस्ट कर लिया गया है और वो भी घायल स्थिति में है और उसको बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण इस पूरी चर्चा के लिए। लगातार नक्सलियों की बढ़ती सक्रियता साथ ही साथ सुरक्षा बलों की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हो रही है उसकी भी प्रशंसा लगातार होनी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां ब्लैकमेलिंग के आरोप में युवती को गिरफ्तार किया गया है। व्यापारी को झूठे केस में फंसाने की धमकी वो दे रही थी। 10 लाख की कर की मांग की जा रही थी। आपको बता दें कि पीड़ित की शिकायत पर फौरन पुलिस ने कार्रवाई की है। डीडी नगर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें महिला ठग को फौरन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर से जानकारी, ब्लैकमेलिंग के आरोप में युवती को गिरफ्तार किया गया। व्यापारी को झूठे केस में फंसाने की धमकी लगातार दे रही थी, 10 लाख की मांग भी कर रही थी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पीड़ित की शिकायत पर फौरन पुलिस ने कार्रवाई की और इस महिला ब्लैकमेलर को गिरफ्तार किया। और छत्तीसगढ़ में नौतपा में गर्मी फुल है और बिजली गुल है। छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर बिजली लाइनों में सुधार का काम चल रहा है, जिसके चलते 5 से 6 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। बात जगदलपुर की अगर करें तो यहां पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कई इलाकों में बिजली नहीं आएगी। बलरामपुर के कई इलाकों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली कटौती होगी। कोंडागांव में भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पावर कट की समस्या से लोगों को जूझना पड़ सकता है। ये 3 मुख्य शहर जहां पर बढ़ती गर्मी और बिजली गुल होने की समस्या से लोगों को लगातार दो चार होना पड़ रहा है। आज भी इसी तरह की स्थिति। तो रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी का छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रहा है। आपको ये बताएं कि ओम माथुर अब अलग अलग जिलों में पहुंचेंगे और आगामी रणनीति बीजेपी की क्या रहेगी इसे लेकर मंथन करेंगे। 28 मई से बस्तर दौरे पर, 4 दिनों तक बस्तर के दौरे पर ही ओम माथुर, जहां पिछली बार दौरा अधूरा रह गया था उसे पूरा करने की कोशिश आज होगी। छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे, 4 दिनों तक बस्तर में अलग अलग जिलों में पहुंचकर मंथन की प्रक्रिया चालू होगी। मिशन 2023 की रणनीति बनेगी, क्या बीजेपी को सशक्त बनाने की जरूरत बस्तर के लिए है, इन्हीं संभावनाओं को टटोलते हुए बैठकें करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, आगामी रणनीति पर मंथन होगा।